अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस्लामियत की बुक जो है वो हमारी चेंज हो चुकी है, यानी जिस बुक से आपने पिछली साल पढ़ा था अब इस साल जो है वो उस बुक से आपने नहीं पढ़ना। तो ये जो बुक है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, यानी पिछली बुक से जो है ये बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। इसमें कोई भी जो है वो पिछली बुक की चीज़ें मौजूद नहीं होंगी, तो बिल्कुल नई बुक है। और एक बात और बता दूं कि ये बुक जो है वो कहीं भी मौजूद नहीं है, यानी इसका पीडीएफ आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ना ही बोर्ड की साइट पे मिलेगा, ना ही आपको जो है किसी और चैनल पे इसका पीडीएफ मिलेगा। तो ये जो पीडीएफ है सिर्फ आपको एमएफ इंग्लिश सेंटर के चैनल पर ही मिलेगा। तो यहाँ पर मैं बुक का पीडीएफ शेयर करने से पहले और बुक के ऊपर बात करने से पहले आपसे कहूँगा कि ये जो चैनल है आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि मैंने जो है वो इसके ऊपर बहुत सारी बुकें जो है वो आपके साथ शेयर की। जैसा कि आपको पता है कि मार्केट में बुक्स मौजूद नहीं है, तो जो बच्चे पढ़ने चाहते हैं या जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बुक के बारे में जानना चाहते हैं, तो उन्हें इन पीडीएफ से बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा रहा। लेकिन आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही अपने दोस्तों में शेयर करते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। एक बात मैं आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करने वालों की तादाद सिर्फ 20% है, यानी अगर 100 बच्चे वीडियो देखते हैं तो सिर्फ 20 सब्सक्राइब करते हैं और जो 80 होते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और ये पीडीएफ बनाने में, इन पीडीएफ को निकालने में, वीडियो बनाने में बहुत ही टाइम लगता है और बहुत ही मेहनत लगती है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और एक बार अपने दोस्तों में और अपने स्टेटस पे और ग्रुपों में ज़रूर शेयर कर दिया करें, ताकि ये जो इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ और इतनी जो आपके लिए हार्ड वर्क करके आपके लिए नई बुक्स लेकर आ रहा हूँ और इनका जो पीडीएफ बनाने में कई दिन लगा देता हूँ, तो उसकी भी थोड़ी बहुत मेहनत जो है वो वसूल हो सके और दूसरे बच्चों तक भी ये नई बुक्स पहुँच सकें। अब जैसे कि इस्लामियत की बुक है, आप एक दो ग्रुपों में जो है वो इस वीडियो का लिंक शेयर कर देते हैं, बच्चे डाउनलोड करके पढ़ लेते हैं, तो जो बच्चे भी इन बुक से पढ़ेंगे आपको उसका जो है वो सवाब मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जो है दीनी मालूमात हासिल कर रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इससे आपको भी जो है सवाब मिलेगा, मुझे भी सवाब मिलेगा। और वो चैनल शेयर करेंगे और दूसरे बच्चों जो है वो सब्सक्राइब करेंगे तो उनका भी सवाब जो है वो हमें मिलेगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ये तो वो बात हो गई जो कि चैनल से मुतालिक मैंने आपने से करनी थी। अब जो है वो बुक से मुतालिक बात कर लेता हूँ। देखिए, बुक मैंने आपको बता दिया कि इसी बुक से जो है अब बोर्ड का पेपर आना है 2021 में, यानी 2021 में जो पेपर आएगा वो इसी बुक से आएगा। इसी बुक से आपने तैयारी करनी है। पिछली बुक से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, यानी जो पिछली हमारे पास किताब थी इस्लामिक की वो बहुत छोटी थी और उसमें जो है वो कम ही चीज़ें मौजूद थी, लेकिन ये किताब जो है वो काफ़ी बड़ी भी है। इसमें काफ़ी चीज़ों को जो है वो शामिल कर दिया है। साइट पे आपको बुक चलती भी नज़र आ रही होगी। तो इससे पहले आपके साथ फिज़िक्स की और जितनी भी किताबें हैं क्लास 9 की शेयर कर चुका हूँ, तो ये जो है वो आखिरी किताब होगी क्लास 9 के कोर्स की। यहाँ पर जो है मैं बता देता हूँ कि इस बुक में क्या क्या शामिल है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो है इस बुक में आपको जो है वो कुरान मजीद का जो है वो तारुफ़ दिया जाएगा कि कुरान मजीद के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद जो है वो सहाबा कराम के बारे में भी इस किताब में बताया जाएगा। उसके बाद जो है वो अहले बैत के बारे में भी आपको इस किताब में बताया जाएगा और अल्लाह और उसके रसूल के बारे में बताया जाएगा और जो हदीस हैं और जो आयात हैं उनके बारे में आपको इस किताब में पढ़ाया जाएगा। तो अगर ओवरऑल कहूँ तो बहुत अच्छी जो है ये किताब जो है वो बनाई गई है और बहुत अच्छी तरीके से इस किताब को प्रेजेंट किया गया और बहुत अच्छी चीज़ें इस किताब में शामिल की गई हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल रहेगी, आपकी दीनी नॉलेज में बहुत ज़्यादा जो है इजाफा होगा इस किताब को पढ़ने के बाद। तो स्टूडेंट, मैंने जो है वो क्लास 9 न्यू इंग्लिश बुक के जो नोट हैं वो बना लिए हैं, यानी नोट्स में जो है वो तमाम यूनिट सॉल्व होंगे, तमाम एक्सरसाइज। ये जो है वो वाहिद नोट्स होंगे जिसमें तमाम यूनिट और तमाम एक्सरसाइज सॉल्व होंगे। तो जो भी मैंने काम किया है क्लास 9 न्यू इंग्लिश बुक से मुतालिक, तो पूरा काम किया है, कोई भी चीज़ छुड़वाई नहीं है। जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं अपने चैनल पे, वो तमाम की तमाम वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तमाम यूनिट्स पे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तमाम एक्सरसाइज पे। तो अगर आपको नोट्स चाहिए हो क्लास 9 न्यू इंग्लिश बुक के, तो आप मुझसे जो है वो कॉन्टैक्ट करिएगा। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात आपको पढ़ने से मुतालिक कर देता हूँ कि कोशिश कीजिएगा कि किताब का रट्टा नहीं लगाएं, यानी किताब को जो है वो रट्टे लगाकर मत पढ़ें जिस तरह आप पिछली क्लासों में पढ़कर जो है वो पास करके आगे आए। अच्छी तरह समझें, टीचर हैं तो अच्छी तरह समझाएं, बेस बच्चों की अच्छी करें, ताकि आने वाली जो किताबें हैं आगे इस्लामियत से मुतालिक फर्स्ट ईयर में और जो आगे किताबें होंगी वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो कोशिश कीजिएगा कि समझ के पढ़ें, रट्टा नहीं लगाएं। किताब का पीडीएफ आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, जाके इजीली डाउनलोड कर लें।
ये जो किताब है सिर्फ आपको एमएफ इंग्लिश सेंटर पे ही मिलेगी, और एमएफ इंग्लिश सेंटर के अलावा जो है ये किताब आपको कहीं नहीं मिलेगी पीडीएफ में। मार्केट में किताबें नहीं मौजूद हैं, किताबें शॉर्ट हैं मार्केट में। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे जो है मैट्रिक की किताबें आती रहेंगी वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इसके बाद जो है मैं आपके साथ मैट्रिक के नोट्स और जो है मैं आपके साथ मैट्रिक की बुक भी शेयर करूँगा। यानी आपको मैं बता दूँ कि मैं जो हूँ वो क्लास 9 के मैथ्स के नोट जो है वो प्रिपेयर कर रहा हूँ। जैसे ही नोट्स बन जाएंगे तो इसके बाद जो आने वाली वीडियो होगी एक या दो वीडियो के बाद आपके साथ जो है मैं मैथ्स के नोट भी शेयर कर दूंगा, वो भी पीडीएफ में होंगे। और फिजिक्स की जो है क्लास मैट्रिक की बुक आ गई है, तो इंशाल्लाह वो बुक भी जो है वो किताब भी जो है मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर कर दूंगा, आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आखिर मैं यही कहूँगा कि अगर कुछ ना समझ में आया हो या कुछ रह गया हो तो व्हाट्सएप नंबर आपके साथ मैंने शेयर किया है, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और जितनी भी किताबें हैं क्लास 9 की तमाम शेयर कर चुका हूं, एक प्लेलिस्ट बना दूंगा उसमें तमाम किताबों को एक साथ शामिल कर दूंगा, तो वहां से आप जाके वो बुक्स डाउनलोड इजीली कर सकते हैं। यू कैन डाउनलोड द बुक इजीली फ्रॉम द प्लेलिस्ट। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको वीडियो अच्छी समझ में आई होगी। अगर फिर भी कुछ ना समझ में आया तो कॉन्टैक्ट करके पूछ लीजिएगा। यहाँ पर फिर कहूँगा कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको भी सबक मिले, मुझे भी, और चैनल भी ग्रो हो सके। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।